पढ़ाई के लिए आगरा शहर से बाहर जा रहे विद्यार्थियों के लिए अब खुशखबरी है। अब आगरा शहर में एक ऐसा विश्वविद्यालय खुल गया है जिसमें विद्यार्थी कम पैसों में उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे। विश्वविद्यालय में प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान की जाएगी। संजय प्ले स्थित एक प्रेस वार्ता में प्रशिक्षकों द्वारा बताया गया कि अब आगरा में फतेहाबाद रोड स्थित बमरौली कटरा में अग्रवाल हेरिटेज विश्वविद्यालय नाम से विश्वविद्यालय खोला गया है, जिसमें उत्तर प्रदेश से अन्य प्रदेशों में जा रहे विद्यार्थियों को प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा उच्च शिक्षा प्रदान की जाएगी। विश्वविद्यालय के चांसलर डॉक्टर सुकेश कुमार ने बताया कि विश्वविद्यालय को अन्य विश्वविद्यालयों की तुलना में बेहतर बनाया जाए। जिस प्रकार दिल्ली विश्वविद्यालय को संचालित किया जा रहा है, वैसी ही व्यवस्था इस विश्वविद्यालय में करने की कोशिश की जा रही है। उसी प्रकार का पाठ्यक्रम व उसी प्रकार के कोर्सेज कराए जाएंगे कि जिस प्रकार से दिल्ली विश्वविद्यालय कोर्स संचालित करता है, हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं कि उसी प्रकार का पाठ्यक्रम, उसी प्रकार के कोर्स आपको आगरा में मिले। और हम ये कोशिश करेंगे कि विश्वविद्यालय में वो जो बच्चे प्रवेश लेंगे वो कम से कम 75% अटेंडेंस पूरी करेंगे, उसके बाद ही उनको शिक्षा में प्रवेश दिया जाएगा, परीक्षा में प्रवेश दिया जाएगा। प्रेस वार्ता में मौजूद विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर प्रोफेसर सुनील कुमार जैन ने बताया कि अग्रवाल हेरिटेज विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों को प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा गुणवत्ता परक शिक्षा प्रदान की जाएगी। साथ ही आगरा विश्वविद्यालय की तुलना में कई गुना बेहतर अग्रवाल हेरिटेज विश्वविद्यालय रहेगा। अग्रवाल हेरिटेज विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त कर रहे विद्यार्थियों के लिए प्लेसमेंट सुविधा भी कराई जाएगी। वहीं टेक्निकल शिक्षा को देखते हुए विश्वविद्यालय से विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा दी जाएगी। ये गुणवत्ता परक शिक्षा दी जाएगी, हमारे यहाँ क्वालिटेटिव एजुकेशन होगी। आप आगरा यूनिवर्सिटी की जहाँ तक बात कर रहे हैं उस पर कोई हमारा कमेंट करने का अधिकार नहीं है, बट लेकिन जब आप देखेंगे हमारी विश्वविद्यालय चलेगा तो बच्चे एक नई दिशा बच्चों को मिलेगी, क्योंकि हमारा जो प्लान है वो ये है कि टेक्निकल एजुकेशन विशेष रूप से रोजगार परक हो। और आजकल इंडस्ट्री के अंदर इतना कंपटीशन है कि इंडस्ट्री वाले इतनी आसानी से तो प्लेसमेंट देते नहीं हैं, तो हमारी पूरी कोशिश होगी कि उनको प्लेसमेंट वाली शिक्षा मिले जिससे कि उनको जॉब मिले। डीजी महाराजा न्यूज़ के लिए राजेश शर्मा की रिपोर्ट।